इस क्वेश्चन में आपको डिफ्रेंशिएशन मतलब डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है, और जो इक्वेशन दी गई है एक्स इक्वल्स टू 4t एंड y इक्वल्स टू 4t, तो ये एक पैरामेट्रिक फॉर्म है जिसमें पैरामीटर आपका क्या हो गया, t हो गया। तो हमारे पास x t का फंक्शन है एंड y आल्सो फंक्शन ऑफ t, ये पैरामेट्रिक फॉर्म कर्व की कही जाती है, और t पैरामीटर है, एक सिंगल वेरिएबल जो दोनों किसी भी पॉइंट p के, अगर कोई पॉइंट p हम लेते हैं x कॉमा y, तो इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को t हैंडल कर रहा है, देन t इज अ पैरामीटर, देयरफॉर t इज अ पैरामीटर। तो t जैसे जैसे हम चेंज करेंगे वैसे वैसे सारे पॉइंट चेंज होंगे, और ये किसी कर्व पे लाई करेगा, वो कर्व रिक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ठीक है। खैर हमें इसे नहीं जानना है कि वो कर्व क्या है, हमें इसका dy by dx निकालना है। तो क्या करेंगे, पहले dy by dx निकालने के लिए चूंकि x हमारा t का फंक्शन है, इसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा d by dt ऑफ x इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ 4t, 4 कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा डिफ्रेंसिएशन से, तो d बाई डी टी ऑफ t दैट इज 1। तो ये dx बाई डी टी आपका dx बाई डी टी कम्स आउट टू बी 4, से दैट इज माई फर्स्ट रिलेशन। सिमिलरली हम y इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ t, तो इसको t के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो दैट इज डी वाई डी बाई डी टी ऑफ वाई, या डी वाई बाई डी टी डी बाई डी टी ऑफ 4t, तो 4 हम कॉमन कर लेंगे, डी बाई डी टी ऑफ 1t, इसे x की पावर n के फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर लेंगे, तो डी बाई डी टी ऑफ t की पावर -1। ये डिफ्रेंशिएशन ऑपरेट करेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा आपका nxn-1, तो that comes out to be 4 -1/t² या फिर हम कह सकते हैं -4/t², ये आपका आ गया dy by dt, से equation number 2, but we have to find out the dy by dx, हमारे पास dy by dt है और dx by dt, हमें find out करना है dy by dx, तो dy by जो dx होता है, that is dy by dt होल अपॉन dx by dt, तो dy by dt की वैल्यू हम प्लेस कर देते हैं यहां पे, दैट इज -4/t² होल अपॉन 4 आ जाएगा, 4 गेट कैंसिल्ड आउट एंड वी हैव 1/t², तो जो आपका dy by dx आ गया विच इज -1/t², दैट इज योर आंसर। इस क्वेश्चन के अल्टरनेटिव सॉल्यूशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दी गई है, आप देख सकते हैं।